हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप आप बढ़िया ही होंगे। तो आपका एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मनीष मंडलोई में। और आज मैं आया हूँ मारुति सुजुकी नेक्सा डीलरशिप पे खरगोन मध्य प्रदेश, जहाँ पर हम एक कार का रिव्यू करने वाले हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यह है सामने खड़ी है बलेनो का टॉप मॉडल सिल्वर कलर में। इसमें टोटल हमें 6 कलर मिल जाते हैं और 4 वेरियंट मिलते हैं। सबसे बेस वेरियंट होता है सिग्मा, फिर डेल्टा, उसके ऊपर आता है जीटा और सबसे टॉप वेरियंट जो आप देख रहे हैं अल्फ़ा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो यह गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल है और यह गाड़ी मंथली हो या ईयरली टॉप 10 सेलिंग में अपनी जगह बना लेती है। बस इस गाड़ी की डिमांड हमेशा से बनी रहती है मार्केट में। और आप देख रहे हैं अभी इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के हम नीचे से। तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड बम्पर मिल जाते हैं, जस्ट नीचे आपको इसमें LED फोग लैंप मिल जाते हैं, इसके ऊपर आपको क्रोम गार्निश मिल जाती है फोग लैंप के ऊपर। इसके बाद चलते हैं रेडिएटर ग्रिल की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक न्यू पैटर्न मिलता है नेक्सा की तरफ से, नेक्स्ट वे पैटर्न पे डिज़ाइन की हुई है इस ग्रिल को। यहाँ पर मिल जाता है हमें सुजुकी का लोगो। इसके बाद साइड में चलते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं गाड़ी के हेडलाइट की। तो इसमें मिल जाते हैं हमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प, साथ में DRL मिल जाती है यहाँ पर, जो 3 पॉइंट के साथ मिलती है, जो गाड़ी का एक लुक अलग ही लुक बनाती है, गाड़ी को एक अलग पहचान बनाती है, जिससे अलग है कि ये गाड़ी हाँ नेक्सा की प्रीमियम गाड़ियों में से एक है। ये गाड़ी का अल्फ़ा मॉडल है तो इसमें हमें मिल जाते हैं ऑटो हेडलैम्प फॉलो मी फंक्शन के साथ मिल जाते हैं। बात करते हैं हम गाड़ी के टायर प्रोफाइल की, इसमें हमें 95/55 R16 के टायर मिल जाते हैं। साथ में इसमें हमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो डबल टोन कलर के साथ मिल जाते हैं इसके। और इसका जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, वो फिजिशियन कट के ऊपर डिज़ाइन किया हुआ है ऊपर। यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर ORVM मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पर हमें टर्न इंडिकेटर भी शो हो जाता है इसके अंदर। यहाँ पर क्रोम प्लेट डोर हैंडल मिल जाते हैं, इसमें रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। जब भी हमारे पास गाड़ी की चाबी हो, हम उसको बड़ी आसानी से प्रेस करके गाड़ी को हम डोर ओपन कर सकते हैं गाड़ी का। यहाँ पे हमें क्रोम की एक लाइन मिल जाती है जो सीधा C+ तक हमें यहाँ पे मिलता है। फ्यूल कैप, यहाँ से हम गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवा सकते हैं। टैंक की कैपेसिटी है वह है 37 लीटर। इस तरीके से गाड़ी का साइड प्रोफाइल पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमें A+ ब्लैक, B+ भी ब्लैक और C+ हमें यहाँ पर तीनों पिलर जो है ABC हमें पूरे ब्लैक कलर में मिल जाते हैं। चलते हैं हम गाड़ी के पीछे रियर प्रोफाइल, हम आ चुके हैं गाड़ी के बैक साइड में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक माइक्रो एंटीना मिल जाता है इसकी रूफ़ के ऊपर। एक गाड़ी के ऊपर स्पॉइलर मिल जाता है, जिस पर हमें हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलता है। यहाँ पर डिफॉगर वाइपर हमें मिल जाता है गाड़ी के अंदर, आप देख सकते हैं डिफॉगर और ये वाइपर है गाड़ी का, क्योंकि टॉप मॉडल है और हमेशा टॉप मॉडल में हमें डिफॉगर वाइपर मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर बैक डोर गार्निश मिल जाती है। जस्ट इसके नीचे हमें 360 व्यू कैमरा मिल जाता है, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर है, जिससे हम गाड़ी को जब भी पीछे बैक लेते हैं, रिवर्स लेते हैं, तो हम अपनी स्क्रीन के अंदर उसको आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर मिल जाता है सुजुकी का लोगो। यहाँ पर चलते हैं तो हमें मिल जाता है पीछे नेक्सा सिग्नेचर टेल लैंप LED के साथ में। इसी के अंदर यहाँ पर हमें रिवर्स लाइट भी मिल जाती है और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है। इसके बाद चलते हैं नीचे तो हमें यहाँ गाड़ी का पीछे का जो बम्पर है वही बॉडी कलर में मिल जाता है। साथ में इसमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जब भी हम गाड़ी को पीछे बैक करते हैं तो गाड़ी के अंदर एक बीप की आवाज़ आती है। यह हुआ गाड़ी का बैक लुक कम्प्लीट, आप दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तरीके की मिल जाती है कीलेस एंट्री। अब डायमेंशन की बात करते हैं इस गाड़ी के डायमेंशन की, अब देख लेते हैं गाड़ी के डायमेंशन की। तो जिसकी लेंथ है 3990 mm की, गाड़ी की हाइट है 1500 mm और बाकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है।